समय से जो हम ये पल्स पोलियो जो है ये प्रोग्राम जो चला रहे हैं, और हर साल इसके दो राउंड होते थे। तो 2011 से कोई भी केस जो है इंडिया में डिटेक्ट नहीं हुआ, और 2014 में जो है हमारी कंट्री को जो है पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन हुई बाई WHO। तो इस वक्त हमारा जो है इंडिया इट इज़ फ्री फ्राम पोलियो, लेकिन इसके बावजूद ये हमारे जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नाइजीरिया है, वहाँ पर अभी तक पोलियो केसेस जो हैं वो डिटेक्ट हो रहे हैं। उस वजह से हमने जो अपनी मशीनरी को स्टैंड बाई रखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे टूरिस्ट वगैरह चलते हैं, कंट्री टू कंट्री चलते हैं, तो कहीं हमारी कंट्री में कहीं पोलियो का जो ये सर्कुलेशन ना आ जाए। इस सिलसिले में हमने जो है ये पल्स पोलियो को कैंपेन जो है इसको जारी रखा है। ये 3 दिन के लिए चलेगा। पहले दिन हम बूथ लेवल पर करते हैं, और सेकंड और थर्ड जो है वो होस्ट टू होस्ट जो है एक्टिविटी करते हैं। इसमें 0 to 5 ईयर्स के तमाम बच्चों को जो है पल्स पोलियो की ये डोज दी जाएगी। तो इस सिलसिले में हमने आज यहाँ पर ये आगाज़ किया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से। तो हम DC सर का भी शुक्रगुजार हैं, म्यूनिसपल्टी जो है प्रेसिडेंट को उससे हमने इनॉग्रेट कराया। तो बाकी मैं आपके ज़रिए से तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कैंपेन है इसमें पूरी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट का साथ दिया जाए, और कोई भी बच्चा जो है 0 to 5 ईयर्स का नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा रह गया तो वो बाकी बच्चों के लिए और पूरी पब्लिक के लिए खतरा हो सकता है। इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो हमारे कोई 53,073 बच्चे हैं, तो वो पूरे के 100% जो है वो कवर होना चाहिए। तो हमने ये 435 जो हैं हमारे जो हैं बूथ्स हैं, तो उस हर बूथ में हमारे 4 बंदे हैं। उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, और कुछ टीचर्स वगैरह को भी हमने लगाया। तो कल से जो है हमारे जो 4 बंदे 2-2 करके मतलब 2 टीमें बन जाएंगी, और वो होस्ट टू होस्ट जो है कवर करेंगे।